कमांडर स्कूलिंग सिस्टम अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर्स कैंपस की जानिब से तलबा व तालिबात की जहनी व जिस्मानी नशोनुमा को बेहतर बनाने के लिए स्पोर्ट्स डे फेस्टिवल अब्दुल्ला स्पोर्ट्स टावर एक्सीलेंसी क्लब में मनाया गया। तकरीब में हेड अब्दुल्ला बिल्डर्स ब्रिगेडियर आमिर जाहिद खान, सितारा इम्तियाज, चेयरमैन कमांडर स्कूलिंग सिस्टम कमांडर जुल्फिकार अहमद मेमन, CEO मिस शगुफ्ता एजाज, DOS मिस सादिया अमरीन, मारूफ हिदायतकार व फनकार सलीम देसवाली, सिंटेक्स बुक बोर्ड के डॉक्टर अब्दुल मोहसिन, प्रोफेसर सिंध यूनिवर्सिटी मिस फौजिया चांडियो समेत दीगर ने शिरकत की। स्पोर्ट्स डे में तलबा व तालिबात के माबैन मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले करवाए गए और जिन तलबा ने बेहतरीन कारकर्दगी पेश की उन्हें स्नात से भी नवाजा गया। इस मौके पर तलबा व तालिबात, उनके वालिदैन, असातिज़ा समेत दीगर स्टाफ की बड़ी तादाद मौजूद थी। जी, मेरा नाम कमांडर जुल्फिकार है और मैं कमांडर स्कूलिंग सिस्टम का चेयरमैन हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ये पहली ब्रांच है यहाँ पे और हमारे ऑलरेडी दो ब्रांचेस जो हैं कराची में भी हैं और जो एक्टिविटी आज हो रही है ये हमारा एक स्पोर्ट्स डे कहलाता है। हमने इसको स्पोर्ट्स डे इसलिए और इसको इसका जो नाम स्पोर्ट्स डे का नाम रखा वो एथलेटिक ऑन 2023 का रखा है। और जैसे कि आजकल आपको पता है कि बच्चों की नशोनुमा में सिर्फ पढ़ाई नहीं, क्योंकि पढ़ाई के साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ का भी बड़ा अमल दखल होता है और ये आउटडोर एक्टिविटीज़ करवाने का मेन मकसद भी यही होता है कि हम बच्चों में एक शऊर पैदा करें। हेल्दी एक्टिविटी है तो उनका माइंड और हेल्थ दोनों जो हैं वो इसमें काम करते हैं। तो दिस इज़ दी रीज़न कि आप देखें कि बच्चों में जो सोच है वो भी चेंज आती है, उनकी नशोनुमा में चेंज आती है, उनकी बॉडी और फिजिक में चेंज आती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वी आर ट्राइंग एट अ लेवल बेस्ट कि आज हमारा पहला स्टेप है, ऑल्दो वी आर न्यू कमर्स बट वी आर स्टिल ट्राइंग। तो इंशाल्लाह ताला वेरी सून यू विल सी दैट माई लिटिल कमांडर विल कम अप विद द गुड आइडियाज़ एंड दे विल गिव यू गुड। ये बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज प्रोग्राम है आज स्पोर्ट्स का और मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स बहुत ही हेल्दी एक्टिविटी है, इट शुड बी ऑर्गेनाइज एवरी ईयर। नो दिस इज अ टाइम वेयर स्टूडेंट्स फ्री देमसेल्फ फील देमसेल्फ फ्री फ्रॉम द स्ट्रेस ऑफ एग्जाम एंड स्टडी एंड ऑल दैट, पूरा साल पढ़ते रहते हैं तो इस दिन का बहुत इंतजार होता है बच्चों को भी और इवन पेरेंट्स भी बहुत इंजॉय करते हैं इसमें। और खेल जो है वैसे भी बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बच्चे भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं, इट्स अ वंडरफुली ऑर्गेनाइज प्रोग्राम। कमांडर जुल्फिकार साहब, उनकी मेहनतें रंग लाती हुई नज़र आ रही हैं और सिर्फ कमांडर जुल्फिकार ही नहीं, पूरी एक टीम वर्क है जो हमें नज़र आता है। बच्चों के वालदैन ख़ास तौर पर जब अपने बच्चों को जिस्मानी तरबियत और खेलों में हिस्सा लेते हुए देख रहे हैं तो उनके चेहरे पर एक दमक नज़र आ रही है हमें। तो मैं तमाम शुरका को मुबारकबाद पेश करूँगा, तमाम बच्चों को हिस्सा खा उन्होंने हिस्सा लिया हो या वैसे वो मौजूद हैं, उनके वालदैन को, तमाम असातिज़ा को। आज ये जो कमांडर स्कूल सिस्टम ने जो प्रोग्राम किया है हैदराबाद और कासिमाबाद के लिए बहुत ज़बरदस्त अचीवमेंट है, क्योंकि तालीम गाह के साथ साथ इन्होंने तरबियत गाह भी बनाई है और जिस तरह बच्चों ने ये परफॉर्म किया है और उसमें कम से कम हफ्ता 10 दिन लगा होगा उनको तैयार करने के लिए, सिखाने के लिए, और इसका क्रेडिट जाता है कमांडर जुल्फिकार साहब को और उनकी मिसेज को और प्लस स्टाफ। थैंक यू। आज की ये रंगारंग तकरीब देख के इंतहाई खुशी हुई और कमांडर स्कूल के जितने भी टीम वर्क है तो वो काबिल तहसीन है, काबिल तारीफ है कि इन्होंने इस एक्टिविटीज़ को एक सेहतमंद सरगर्मी का इनेकाद करके एहतमाम करके बच्चों की और उनके पेरेंट्स की जिस तरह से उनकी जो है उन्हें शामिल किया है इस तकरीब के अंदर, वो उनके चेहरों से, उनके लिबास से, उनकी जो है उनकी एक्टिविटी से नज़र आ रहा है कि वालदैन कितने पुरजोश हैं और उसके असरात किस हद तक बच्चे की जो है एक्टिविटी पर भी पड़ रहे हैं, बच्चे किस तरह से इतने शौक से लगन से इसमें प्रोग्राम में हिस्सा ले रहे हैं और ये ऐसे प्रोग्राम हर स्कूल के लिए ज़रूरी है। मेरा नाम आमना है और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ और मैं आज स्पोर्ट डे में कमांडर स्कूलिंग सिस्टम में 3rd आई हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर मज़ा आ रहा है।